नमस्कार, मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यहां पर हम लोग आप लोगों देख रहे हैं कि करंट अफेयर की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपके करंट अफेयर से की सीरीज में आपके अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेशन में, आपके अवार्ड्स एंड ऑनर के रिलेशन में जो जो आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, उन अवार्ड्स को एक वीडियो में हम कंपाइल करके इस चीज़ को देखेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं अवार्ड्स और ऑनर से रिलेटेड, कौन कौन से अवार्ड्स ये आपके 2023 में जो इंपॉर्टेंट्स हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा उस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सीरीज को। तो आप में पहला अवार्ड के बारे में बात करेंगे। पहला अवार्ड आपका क्या है? अवार्ड से ऑनर आपको, आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर हेडिंग लगा हुआ है, उसमें पहला अवार्ड जो है आपका वो आपका किस पे है? वो आपके ऑस्कर पे बेस्ड है। ऑस्कर अवार्ड क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर लेते हैं कि ऑस्कर अवार्ड बेसिकली क्या है, इसके बारे में कैसे क्या है, इन सारी चीजों को समझ लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड बेसिकली क्या होता है ना कि ये सबसे ज्यादा फिल्म जगत का ना सबसे फेमस अवार्ड है, फिल्म जगत का सबसे फेमस अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड है, इसके बारे में आप जानेंगे। और इस बार का ऑस्कर अवार्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा, आप इससे अवेयर भी होंगे, काफी ज्यादा खुशी भी मनाई गई भारत में कि आप लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा इस बार नाटू नाटू सॉन्ग को और एक एलिफेंट विस्पर्स को हमें अवार्ड मिला भी है। तो इस सारी चीजों में भारतीयों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साल रहा है ये 2023 का, जो ऑस्कर पुरस्कार रहा है ये 2023 का ऑस्कर पुरस्कार आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी रहा है। किसके लिए? आपके भारत के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, जो ये बहुत बड़ा अवार्ड है इसको बेसिकली ध्यान रखेंगे, इसको एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो देता है ना, जो अवार्ड ये देता है, ये अवार्ड क्या कहलाता है आपका? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के थ्रू दिया जाता है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म पे AMPAS कह सकते हैं। इस अवार्ड की शुरुआत 1929 में करी गई थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसे ध्यान रखना, पहले एकेडमी पुरस्कार कहा जाता है, एकेडमिक अवार्ड कहा जाता था, लेकिन अभी क्या है इसको ऑस्कर पुरस्कार के नाम से अब ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों में ये की पॉइंट है। इसमें देखें, अगर ऑस्कर में भारतीयों का प्रदर्शन देखा जाए तो अभी तक 2023 तक उससे रह करके अभी तक भारतीयों का प्रदर्शन क्या रहा है, इसमें भारतीयों का प्रदर्शन ये है कि 1983 में आपको सबसे पहला जो भानु अथैया थे ना, अथैया को अवार्ड मिला था। किसके लिए? आप ध्यान रखेंगे, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए। और मूवी थी आपकी कौन सी? गांधी। समझ में आ गया, 1983 में। और अगर बात करूं सत्यजीत रे की, तो सत्यजीत रे को ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला था। किसमें? आपके अगर देखा जाए तो सत्यजीत रे थे, रसेल पोकुटी थे। अब पोकुटी रेसुल पोकुटी की बात करूं मैं, तो इनको अगर देखा जाए तो इन सारी चीजों के लिए स्लम डॉग मिलेनियर का आपका सीरीज मिला था, जिसमें आपको बहुत ही 2009 का स्लम डॉग मिलेनियर जो मूवी आई थी उस मूवी के रिलेशन में रसुल पोकुटी को मिला था। किसके रिलेशन में मिला था? बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए मिला था। AR रहमान को स्लम डॉग मिलीनियर के लिए बेस्ट, क्या कहते हैं, आपके ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में मिला था। और आपको गुलजार के लिए मिला था, इसको इनको बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए मिला था, आपको पता है जय हो गाने के लिए, और जय हो के लिए भी इनको ही वो इस गाने में मिला था। आगे चलते हैं, अगर मैं बात करूं अभी जो 2023 में ऑस्कर अवार्ड हुए हैं वो बेसिकली आपके लॉस एंजलिस अमेरिका में हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे, 95th नंबर का है, ठीक है। बेस्ट फिल्म क्या है? बेस्ट फिल्म की बात करूं मैं तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये बेस्ट मूवी की कैटेगरी में गई है। ये बेस्ट मूवी जो मिला है ये आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस था, इसके रिलेशन में इसको मिला है बेस्ट फिल्म के। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये चाइनीज माइग्रेशन पे बेस्ड मूवी है। बेस्ट एक्टर की बात करूं तो ब्रेंडन फ्रेशर, किसके लिए? द व्हेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस एक्ट्रेस की बात करूं मैं, मतलब हीरोइन की बात करूं मैं, तो मिशेल ईयो है। बेसिकली किसके लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, आपने देखा ये मूवी भी बड़ी मूवी भी बेस्ट मूवी भी पाई है और आपके बेस्ट एक्ट्रेस में भी मिला है। बेस्ट डायरेक्टर कौन? एवरीथिंग एवरीवेयर और आपके ऑल एट वंस, कौन से? डेनियल क्वान तथा डेनियल स्कैनर्ट ने अवार्ड पाया हुआ है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करूं मैं तो ये भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। तो ध्यान रखेंगे कि हुन क्वान बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग में थे और जैमी ली कर्टिस बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग में थी। किसका है आपका? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। बेस्ट फिल्म एडिटिंग की भी बात करें, चलिए देखिए इसके भी देख लेते हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये भी मूवी मिला है।
आगे चलते हैं। अगर बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की बात करूं मैं तो वो जर्मनी से रिलेट था, जर्मनी को मिला, जर्मनी की फिल्म थी कौन सी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और अगर बात करी जाए आगे तो इनमें ये थोड़ा सा इसको देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की तो ये भारत के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका द एलिफेंट विस्पर्स है, जो बेसिकली आपके इसके यहां पे इंडिया को मिला है बेस्ट शॉर्ट फिल्म में, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जो है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये भी आपका क्या है, नाटू नाटू सॉन्ग, जो आपके RRR मूवी का है, जो आपका किसके रिलेशन में, जिस जो आपका SS राजा मौली ने इस मूवी को क्या हुआ था, इस मूवी को बनाया था, इसका निर्देशन किया था। बेस्ट साउंड डिजाइनिंग की बात करूं तो टॉप गन मैवरिक आपको पता ही है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर ब्लैक पैंथर, जिसमें वकांडा फॉरएवर काफी ज्यादा मार्वल की काफी अच्छी सीरीज भी है ये, इसके बारे में देखेंगे। चलिए दूसरे अवार्ड की बात करूं तो दूसरा अवार्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, गोल्डन ग्लोब। ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार वाले में भारत का परफॉर्मेंस रहा है और भारत ने इसमें भी अवार्ड जीता है नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। तो ध्यान रखेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो बेसिकली आपके क्या है, ये जो अभी हुआ ये 80 नंबर का था, मतलब 80वां जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ, कहाँ पे मिला गया, घोषणा की गई इसकी, ये बेसिकली आपके अमेरिका के कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस के ही कैलिफोर्निया में किया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की अगर मैं बात करूं ना तो इसे जो देता है वो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, किसमें आपके मनोरंजन के जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए देसी और विदेशी कलाकारों, ध्यान रखना इस बात का। पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो था ना वो 1944 में कहाँ पे, लॉस एंजलिस यूएसए में शुरू किया गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। AR रहमान को 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर के लिए भी मिला था और अभी जो आपका लेटेस्ट है इसके बारे में आपको पता ही है। देख लेते हैं, एक लिस्ट है इनकी, इनमें विजेताओं की सूची है जो आपके कैलिफोर्निया में आयोजित किए गए हैं इस बार के 80वां आपके गोल्डन ग्लोब अवार्ड। बेस्ट फिल्म द फैबल मेन्स है, कौन सा है आपका, द फैबल मेन्स। इसके बाद मैं बात करूं बेस्ट फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी के लिए आपका है बैंशीज ऑफ इनिशेरिन है। इसी तरह से बेस्ट एक्टर फिल्म के लिए, ड्रामा के लिए किसको मिला, ऑस्टिन बटलर को, कौन सी मूवी थी, एल्विस मूवी थी। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थे, केट ब्लैंचेट थी, किस मूवी के लिए, टॉर मूवी के लिए, ध्यान रखना टॉर है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करूं मैं तो स्टीपन स्पिलबर्ग कौन थे आपके, ये आपका ये जो फिल्म था देखा आपने, बेस्ट फिल्म जो फेबल मैंस है, ये भी आपका फेबल मैंस के लिए ही मिला। और मौलिक सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत जिसके बारे में मैं बात करूं वो आपकी तेलुगु फिल्म, किसके लिए, RR के नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, आपको पता है कि नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला था। तो ये आपके गोल्डन ग्लोब रहे। आगे चलता हूं मैं तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो भारतीय सिनेमा जगत में जो सबसे बेस्ट उत्कृष्ट जो उनकी होती हैं परफॉर्मेंस होती है, उन परफॉर्मेंस के बेस पे दिया जाता है, कौन सा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा, आपने देखा ये दादा साहब फाल्के के योगदान को देने के लिए किया गया। ध्यान रखेंगे इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है, किसको, दादा साहब फाल्के को। ध्यान रखेंगे दादा साहब फाल्के ने सबसे पहली फिल्म का राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था और राजा हरिश्चंद्र के ही लिए अभिनेत्री देविका रानी को क्या मिला था, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। ठीक है, इस पुरस्कार में ध्यान रखना है एक स्वर्ण कमल दिया जाता है जिसे गोल्डन लोटस कहते हैं, एक आय का आपका सॉल दिया जाता है और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 10 लाख रुपए का एक पुरस्कार भी दिया जाता है, नगद पुरस्कार होता है, तो इस बारे में देख लेंगे। चलिए ये पूरी लिस्ट है जिसमें आपको पढ़ना है, जिसमें आपको समझना है। इंपॉर्टेंट फिल्म की बात करूं मैं, सबसे बेस्ट फिल्म आपको किसको मिला, द कश्मीर फाइल्स, बहुत चर्चाओं में रही थी ये मूवी, बहुत ज्यादा चर्चाओं में ये मूवी आपकी काफी ज्यादा चर्चा में और कॉन्ट्रोवर्सी में भी रही थी। ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर RRR आपको पता है SS राजा मौली की मूवी है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देख लेंगे ब्रह्मास्त्र के लिए, आलिया भट्ट आपके कौन सी हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं बेसिकली आपके, ब्रह्मास्त्र और गंगूबाई काठियावाड़ी दोनों के लिए इनको मिला हुआ है अवार्ड, मिला जुला है इनका, ध्यान रखेंगे दोनों एक ही परिवार में आ गया इनका। चलिए ठीक है, यहां थोड़ा सा आप देखेंगे मैं प्लेबैक सिंगर के लिए इसको थोड़ा सा देख लेंगे, संचेत टंडन को, नीति मोहन को, मेरी जान गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर, एक कंतारा मूवी आई थी बहुत ज्यादा फेमस मूवी, बहुत ज्यादा अपना रहा था, तो ध्यान रखेंगे ऋषभ शेट्टी को मिला है कंतारा मूवी के लिए। इसमें आपके देखेंगे
क्रिटिक्स के द्वारा जो बेस्ट आपके एक्टर कहा गया ना, वो वरुण धवन को कहा गया, और बेस्ट एक्ट्रेस आपको कहा गया विद्या बालन के लिए, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर आपको आर बालकी थे, चुप मूवी एक आई थी उस मूवी के लिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। बेस्ट वेब सीरीज आपकी कौन सी, रुद्र, एक ये अजय देवगन की वेब सीरीज आई थी, नई वेब सीरीज है। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर आपके अनुपम खेर। तो ये लिस्ट है, इसमें से आपके पूरे लिस्ट मिले हुए हैं, इन लिस्ट को आप देख लेंगे एक बार, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने यहाँ पे बता भी दिया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स की। ये फिल्म फेयर अवार्ड्स बेसिकली आपका 27 अप्रैल अभी हाल ही में 27 अप्रैल 2023 को ये पुरस्कार अभी घोषित किया गया है, ठीक है। इस फिल्म में ध्यान रखना है, ये सबसे पुराना भी अवार्ड है, और ये जो अवार्ड है ये बेसिकली आपका टाइम्स ग्रुप द्वारा दिया जाता है, किसमें आपको पता ही है कि आपके कलात्मक जो आपके फिल्म इंडस्ट्री में जो आपके कलात्मक और टेक्नीशियन जो चीज़ें होती हैं उनमें उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी सबसे पहली शुरुआत तो 1954 में मुंबई में किया गया था। पहला फिल्म अवार्ड जो था वो बिमल राय के फिल्म 2 बीघा जमीन को मिला था, ठीक है। दिलीप कुमार को दाग के लिए बेस्ट एक्टर, और आपका बैजू बावरा के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, ठीक है। तो इस बात का ये की पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। ये लिस्ट है 27 अप्रैल 2023 को कहाँ पे मुंबई में आयोजित किया गया, कौन सा 68th नंबर का हुंडई, इसका जो स्पॉन्सर था वो हुंडई था, इसके बारे में भी देख लेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड मेन पॉइंट को, की पॉइंट को मैं एक बार बता देता हूं। जो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म था वो गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें आलिया भट्ट को भी आपने देखा, आलिया भट्ट को इसमें इसी फिल्म के लिए आपको क्या मिला हुआ है, इनको बेस्ट महिला अभिनेता के लिए मिला हुआ है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के लिए बधाई दो था, और देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो पुरुष का था वो आपका था क्या, राजकुमार राव, बधाई दो के लिए बेस्ट अभिनेता मिला है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बेस्ट अभिनेता जो क्रिटिक्स थे ना वो संजय मिश्रा, बेसिकली इनको बध मूवी के लिए मिला हुआ है। बध एक मूवी आई थी अभी हाल ही में रिसेंटली, बध अच्छी मूवी आई थी, तो उनके लिए संजय मिश्रा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करूं मैं तो ध्यान रखना क्रिटिक्स के, क्रिटिक्स अगर जिन्होंने क्रिटिक्स के तौर पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को बताया, उनमें भूमि पेडनेकर किसके लिए, इस बधाई दो के लिए, और तब्बू को भूल भुलैया 2 के लिए। ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन से, गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी जो था आपका आया हुआ था संजय लीला भंसाली को मिला, इसलिए अगर देखा जाए तो इस अवार्ड में गंगूबाई काठियावाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा दिया है और इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड भी मिला हुआ है। सहायक भूमिका में आपको अनिल कपूर जुग जुग जियो के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग रोल महिला के लिए आपको बधाई दो के लिए शिवा चड्ढा को, म्यूजिक एल्बम आपको प्रीतम प्रीतम का ब्रह्मास के लिए जो आपकी म्यूजिक दिया है उन्होंने, बेस्ट डायलॉग फिर देखो आप गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ध्यान दे देना इंपॉर्टेंट है, कौन है वो, प्रेम चोपड़ा, ठीक है। इसी तरह से प्लेबैक सिंगर पुरुष में है जो बेस्ट सिंगर जो मेल में है वो आपको किसको मिला है, अरिजीत सिंह को केसरिया तेरा रंग है पिया, इस तरह के गाने थे, इस गाने को लिए मिला है। और आपको जुग जुग जियो के लिए किसको मिला हुआ, आपको कविता सेठ, ये कविता सेठ है इनके लिए मिला हुआ है। डेब्यू मेल जो किया है उन्होंने अंकुश गोदाम किसके लिए, झुंड मूवी के लिए, और अनेक के लिए आपको एंड्रिया केवी चुषा को मिला है जो फीमेल में है, ठीक है। तो ये आपके अवार्ड रहे। अब हम बात करते हैं थोड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में अनाउंस किया गया, हाल ही में अनाउंस किया गया कौन सा आपका भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ध्यान रखना जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके बारे में थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। क्या कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय साहित्य के इतिहास में दिया जाने वाला सबसे ज्यादा सर्वोच्च पुरस्कार है। 1965 में अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना की गई थी, और ध्यान रखना ये दिया क्या जाता है, अगर कोई भारत का नागरिक हो और 8वीं अनुसूची में जितने 22 भाषाओं में से अगर किसी भी एक भाषा में अगर वो लिखता हो तो ध्यान रखेंगे वो इस पुरस्कार के योग्य है। ध्यान रखना इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, और 11 लाख रुपए का कैश अवार्ड या धनराशि जो दिया जाता है उनके लिए दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ 1965 में किसको दिया गया था, मलयालम जो लेखक थे ना वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ध्यान रखना उस समय इस पुरस्कार की धनराशि क्या थी, 1 लाख, अभी क्या है, अभी 11 लाख है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना जो की थी ना ज्ञानपीठ पुरस्कार की, वो श्री शाहू शांति प्रसाद जैन ने किया था। चले आगे,
ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इस समय चयन समिति है ना, वो वर्ष 2021 और 2022 के लिए, क्या वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के लिए बेसिकली इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए आपका 56वां और इसके लिए 57वां क्या दिया है आपका पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की है। ध्यान रखना, असमिया लेखक साहित्यकार नीलमणि फूकन को वर्ष 2021 के लिए कौन सा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब इनके बारे में अगर बात करूं तो यह असम के गोलघाट जिले में 10 सितंबर 1933 को इनका जन्म हुआ था। नीलमणि फूकन बेसिकली असमिया भाषा के बहुत ही अच्छे कवि थे और ध्यान रखें कवि हैं और कथाकार हैं। ठीक है, अगर मैं 2022 के लिए बात करूं 57वें के लिए तो ये किसको दिया जाना है, ये कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को दिया जाएगा। ध्यान रखना कोंकणी लेखक हैं या बेसिकली गोवा के उपन्यासकार हैं, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बात करूं तो ये इनका गोवा के ये उपन्यासकार हैं और इनको ध्यान रखना है दामोदर मौजो को दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान की। सरस्वती सम्मान जो है ना वो बेसिकली आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं इसके थ्रू। अगर सरस्वती सम्मान की बात करूं मैं तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं, एक तो आपका बिहारी पुरस्कार दिया जाता है, एक व्यास पुरस्कार दिया जाता है और एक सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में करी गई थी और ध्यान रखना इसमें आपको 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अभी रिसेंटली जो 2019 के संस्मरण में एक सूर्य वामसम एक नॉवेल आया है, किसका, ये आपके तमिल लेखक हैं शिवशंकरी, इनको मिला हुआ है किसके लिए 2022 के सरस्वती सम्मान से इनका सम्मान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, पद्म पुरस्कार की बात करूं मैं तो पद्म पुरस्कार दूसरा ऐसा पुरस्कार है भारत में जो सर्वोच्च नागरिकता की प्रदान करता है। सबसे पहला पुरस्कार अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पुरस्कार भारत रत्न होता है सर्वोच्च नागरिकता के लिए, दूसरा पुरस्कार आपका पद्म विभूषण होता है और तीसरे पुरस्कार की मैं बात करूं तो वो आपका कौन सा होता है, पद्म भूषण, फिर आपका पद्मश्री आता है। ये आपके सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की गिनती में आते हैं। इनकी बात करूं मैं सर्वोच्च पुरस्कारों में से ये एक है। ध्यान रखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और आपके विज्ञान के अलावा इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग और आपके चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल कूद में और सिविल सेवा में भी उत्कृष्ट काम के लिए ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे इस चीज का क्या होता है, इसको उद्घोषित किया गया था, मतलब इसको बताया गया था कि किस किस को देना है और मार्च अप्रैल में यह अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया गया है। किसको दिया गया है ध्यान रखेंगे, देश का सर्वोच्च भारत रत्न है लेकिन पद्म विभूषण जो है आपका दूसरा और आपका पद्म भूषण तीसरा और आपका पद्मश्री जो है वो चौथा पुरस्कार है। चले आगे, अब मैं बात करता हूं आज जो ये आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने क्या किया है, गणतंत्र दिवस पर इन्होंने बेसिकली जो पद्म अवार्ड्स है ना, इन पद्म अवार्ड्स में ध्यान रखेंगे 3 कैटेगरीज में इन्होंने दिया है। तो ध्यान रखेंगे पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है, 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है और आपके 91 लोगों को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। कौन कौन है उनके लिस्ट में तो मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है आपकी 6 पद्म विभूषण की, जो 6 लोगों की लिस्ट है उसमें आपके आते हैं बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है। कहाँ के हैं ये, गुजरात के हैं। जाकिर हुसैन जो महाराष्ट्र के हैं बेसिकली, इनको कला के क्षेत्र में आपको पता है, इसी तरह से इनको महाराष्ट्र के हैं पता है। अगर मैं बात करूं एसएम कृष्णा की तो इनको लोक कार्य के लिए दिया गया है, लोक कार्य के लिए ध्यान रखना ये कर्नाटक के हैं बेसिकली। और अगर बताएं तो मुलायम सिंह यादव इनको मरणोपरांत दिया गया है, ध्यान रखना ये इनको मरणोपरांत दिया गया है लोक कार्य के लिए, आपको पता ही है कि पॉलिटिशियन थे। दिलीप महालनाबिस को भी ये मरणोपरांत ही दिया गया, ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में, ये भी पश्चिम बंगाल के हैं, ध्यान रखना इस बात का। श्रीनिवास वर्धमान विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए मिला है, इनको यूएसए के नागरिक हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या है ये बाल, इनके बारे में, इन लोगों के बारे में एक एक चीजें बताई गई हैं। बालकृष्ण दोषी कौन से हैं आपके, ये 2017 में प्रिजर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे, ध्यान रखना वास्तुकला के क्षेत्र में हैं, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, आपको पता ही है, उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे हैं और भारत, ध्यान रखना इनको पद्मश्री भी इनको 2002 में मिल चुका है।
एस एम कृष्णा को 1999 से 2004 के कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ध्यान रखना इसके बारे में कि ये विदेश मंत्री भी रहे हैं, और इनको भी आपका क्या मिला है, इनको भी पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है। दिलीप महाल महाल नाबिश को भी बाल रोग विशेषज्ञ थे, ध्यान रखो इनका इनका अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था, लेकिन इनको मिला है अवार्ड, ठीक है। इसी तरह से श्रीनिवास वर्धमान को भी मिला हुआ है, और आपके मुलायम सिंह यादव के बारे में आपको पता है, ये लिस्ट है, उनके बारे में थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। चलिए, पद्म भूषण 9 लोगों को मिला हुआ है, ध्यान रखना पद्म भूषण जो है बेसिकली 9 लोगों को मिला हुआ है, उसमें आपके एस एल भैरप्पा हैं जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से, कर्नाटक से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा से रिलेट हैं, कुमार मंगलम बिरला आपके वाणिज्य और व्यापार से हैं, महाराष्ट्र के हैं, दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग के हैं, महाराष्ट्र से ये भी हैं, वाणी जयराम की बात करूं कला के क्षेत्र से हैं, तमिलनाडु में हैं, तमिलनाडु से रिलेट करते हैं ये, सुमन कल्याणपुर की बात करूं तो कला से रिलेट करते हैं, और आपके महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के ये आपके महाराष्ट्र राज्य से रिलेट करते हैं, स्वामी चिन्नाजीयर आध्यात्मिक तेलंगाना से हैं, कमलेश डी पटेल भी आध्यात्मिकता से रिलेट करते हैं आपके तेलंगाना से, सुधा मूर्ति जो समाज सेवा है समाज सेवी है इनका भी रिलेशन आपका कर्नाटक से है, और ये आपके बेसिकली पद्मश्री अवार्ड की मैं बात करूं तो ये 91 लोगों को दिया गया है, और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इनमें जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है इनमें इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में यहां पे नोट डाउन कर दिया गया, बेसिकली आपको पढ़ने की जरूरत है, जो इस लिस्ट को आप एक बार देख लेंगे, इस लिस्ट के बारे में आप देखने के बाद इस चीज को समझ लेंगे, बाकी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपका पद्म भूषण हुआ, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया है, इनके नाम क्या है, इनका क्षेत्र क्या है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपके ये आपके जो आपके पद्म विभूषण है इन पद्म विभूषण से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इन सारी चीजों को भी देख लेंगे। चलिए सभी लोगों का इन सारी चीजों को आप बार बार पढ़ते हुए चले, बार बार चीजों को समझते हुए चलेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगले वीडियो में आपको चीजों को समझाया जाएगा। चलिए तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।